गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आप सभी ने पेंट की शीट में टाइपिंग करने के साथ साथ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना भी सीखा था। पिछली क्लास में जो भी आपको सिखाया गया था, क्या आप सभी को वह याद है? क्योंकि आज की क्लास में आप किसी और टूल के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं पेंट में राइटिंग को चेंज करने के लिए आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? पेंट में राइटिंग को बदलने के लिए आप फॉन्ट फैमिली ऑप्शन का उपयोग करेंगे। क्या आप बता सकते हैं किसी भी टेक्स्ट अथवा नंबर को बिना सेलेक्ट किए क्या आप उसका राइटिंग बदल सकते हैं अथवा नहीं? आप बिना किसी लाइन अथवा टेक्स्ट और नंबर को सेलेक्ट किए आप उसका राइटिंग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आप इस लाइन अथवा पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसी नंबर अथवा टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने अथवा कम करने के लिए आप पेंट में कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? पेंट में किसी टेक्स्ट अथवा नंबर के साइज को बढ़ाने अथवा कम करने के लिए आप फॉन्ट साइज के ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब जानते हैं कि आज आप सभी क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप कर्व टूल के बारे में सीखेंगे कि कर्व टूल क्या होता है। उसके बाद आप सभी कर्व टूल की मदद से कुछ और भी चित्र को बनाएंगे जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे कि बर्ड यानी पक्षी, माउंटेन यानी पहाड़, फ्लैग यानी झंडा और एक पत्ते का चित्र को बनाएंगे। आइए अब कर्व टूल के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कर्व टूल क्या होता है? कर्व टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप किसी लाइन को एक बार ड्रॉ करके उसे दो बार मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने लाइन को पहले कहां से खींचा है। जैसे कि किसी लाइन को ऊपर से नीचे खींचा है तो आपको उस लाइन को जरूरत के अनुसार उसे मोड़ना होगा। सामने दिए गए चित्र को देखें, इसमें रेड कलर के बॉक्स से कर्व टूल को दिखाया गया है। आइए अब वीडियो को देखकर इस टूल का उपयोग करना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कर्व टूल का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और फिर कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और फिर ऐसे ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि यह एक लाइन की तरह ड्रैग हो रहा होगा, क्योंकि हमने कर्व टूल को सेलेक्ट किया है। अब इसे हम कर्व टूल की तरह लाने के लिए इसे ड्रैग करेंगे या खींचेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। खींचने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जहाँ से आपको खींचना होगा लाइन के उस हिस्से पे रखेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर उधर की तरफ इसे पॉइंटर को लेकर जाएंगे जिधर आप उसे खींचना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरे वाले हिस्से पे रखेंगे और फिर वहां से इसे खींचेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप कर्व टूल को ड्रैग कर सकते हैं या खींच सकते हैं। कर्व टूल को दो बार हम ड्रैग करेंगे, जैसे कि आइए आप दूसरी लाइन को ड्रैग करें या कर्व को ड्रैग करें। उसके बाद फिर अपने पॉइंटर को बीच वाले हिस्से में रखें यहाँ पे और उसे ऊपर की तरफ उठाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें। आइए फिर से एक और कर्व टूल को ड्रैग करके देखते हैं। ऐसे एक और सीधी लाइन को ड्रैग करें। फिर अब यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखेंगे और उसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देंगे। और फिर यहीं पे हम दो बार क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका यह कर्व टूल बन जाएगा या ड्रैग हो जाएगा।
फिर एक सीधी लाइन को हम ड्रैग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर इसको हम बीच से यहाँ पे ऐसे इधर की तरफ खींचेंगे, उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सीधी एक लाइन को ड्रैग करेंगे, उसके बाद इधर की तरफ इसे खींचेंगे और फिर डबल क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका ये भी कर्व बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक और लाइन को खींचेंगे, उसके बाद जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपसे गलती हो जाता है लाइन को ड्रैग करने में, कर्व को ड्रैग करने में, तो आप उसे अंडू करके हटा सकते हैं। आप इसे सीधी लाइन भी ड्रैग कर सकते हैं। आपको सीधा लाइन ड्रैग करने के बाद वहीं पे डबल क्लिक कर देना होता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप कर्व टूल का उपयोग कर सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इसे क्या कहते हैं। यह एक बर्ड का चित्र है। क्या आप बता सकते हैं इस चित्र को बनाने के लिए कौन कौन से टूल का उपयोग करेंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी कर्व टूल का उपयोग करेंगे और साथ में ओवल टूल की मदद से इस चित्र को बनाएंगे। क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं? अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो रही है तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखें। आइए वीडियो की मदद से अब सीखते हैं कि बर्ड को कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए और फिर कर्व टूल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर अब आप अपने पॉइंटर को पेंट के सीट पर लेकर आए या फिर साइज पे लेकर जाएं और यहाँ से एक परफेक्ट साइज को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कलर वन को चेंज करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद पेंट के सीट पर लेकर आए पॉइंटर को और फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें या कर्व को ड्रैग करें ऐसे। उसके बाद यहाँ से पॉइंटर को रखें और फिर अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग करें या खींचे इसे, जिससे कि इस शेप में यह आपका लाइन या कर्व टूल ऐसे होगा। उसके बाद फिर अपने पॉइंटर को नीचे की तरफ लेकर आए यहाँ पे और फिर इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करें या फिर खींचे। उसके बाद लेफ्ट बटन से हाथ डालें, जिससे कि आपका यह कर्व फाइनली बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रखें पॉइंटर को और नीचे की तरफ ऐसे लाइन को ड्रैग करें या फिर कर्व को ड्रैग करें। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाएं, यहाँ पे अपने फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए नीचे की तरफ और फिर इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करें खींचे, जिससे कि आपका यह दूसरा कर्व ड्रैग हो जाएगा या फाइनली बन जाएगा। उसके बाद अपने लेफ्ट बटन से हाथ हटा लें। अब आप सभी अपने पॉइंटर को ओवल टूल के ऊपर लेकर आए, सेलेक्ट कर लें उसे फिर यहां पे ओवल टूल को ड्रैग कर दें।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप कर्व टूल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें, फिर उसको नीचे की तरफ ऐसे खींचे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर दो बार क्लिक कर दें यहीं पे खींचने के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और लाइन या कर्व टूल को ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ इसे खींचे और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। इस तरह से आप बर्ड को बना सकते हैं या फिर इस चित्र को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं। यह एक माउंटेन यानी पहाड़ का चित्र है। क्या आप जानते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी कर्व टूल का उपयोग करेंगे और फिर लाइन टूल के साथ इसके अंदर कलर को फिल करने के लिए आप कलर पैलेट के साथ फिल विद कलर का उपयोग करेंगे। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप सभी वीडियो की मदद से बनाना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि माउंटेन के चित्र को कैसे बनाना है। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, पहले आप रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कलर वन को चेंज कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसे ऐसे ड्रैग कर लें। फिर अपने पॉइंटर को कर्व टूल के ऊपर लेकर आएं, इसे सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे ऐसे इसे ड्रैग करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद पॉइंटर को बीच में रखें यहाँ पे और इसे ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करें या खींचें, उठाएं इसे ऊपर की तरफ। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद डबल क्लिक कर दें उठाने के बाद। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन या कर्व टूल को ऐसे ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और इसे ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करें या ऊपर की तरफ उठाएं। फिर नीचे से यहाँ से ऐसे इसे मोड़ दें। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें। उसके बाद कलर पैलेट के अंदर जाएं, कलर को चेंज करें। उसके बाद फिल विद कलर को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है।
फिर यहाँ पे कलर को फिल कर दें। फिर कलर को चेंज करें, यहाँ पे कलर को फिल कर दें। इस तरह से आप माउंटेन को बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं सामने दिए गए चित्र को क्या कहते हैं? यह एक फ्लैग का चित्र है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से देश का फ्लैग है? यह इंडिया का फ्लैग है। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे? इस चित्र को आप कर्व टूल के साथ में ओवल टूल और लाइन टूल का भी प्रयोग करके इस चित्र को बनाएंगे, और कलर को फिल करने के लिए फिल विथ कलर विकल्प का उपयोग करेंगे, और कॉपी पेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप इस चित्र को बनाएं। अगर इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कर्व टूल के द्वारा इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, लाइन टूल पर लेकर आए और उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पेंट के सीट पे एक ऐसे लाइन को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन को ड्रैग करें। दोनों लाइन सेम बराबर होनी चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर लाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, या फिर बड़ी हो जाती तो इरेजर टूल के द्वारा मिटा लें। उसके बाद फिर से दोबारा से लाइन टूल को सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर फिर उसके बाद कर्व टूल को सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे ऐसे उसे ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहाँ से रोटेट करें। फिर उसके बाद यहाँ से और एक बार क्लिक कर दें। फिर अब आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी करने के लिए आप सेलेक्ट टूल पे अपने पॉइंटर को लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर से आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएं और इसे पूरा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी का कमांड का उपयोग करें, जो कि कंट्रोल प्लस सी होता है। इसके लिए आप अपने एक हैंड की एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और दूसरे वाले से सी को प्रेस करें, जिससे कि कॉपी हो जाएगा। अब इसे पेस्ट करें। पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करें।
कंट्रोल प्लस वी के लिए आप अपने एक हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबाएं और दूसरे हैंड के सेम टाइम पे वी को प्रेस करें, जिससे कि आपका ऐसा ही एक और कर्व आ जाएगा, और उसे पिक करके यहाँ पे लेकर आएं। जब आप पिक करके लेकर आ रहे होंगे तो आपके पहले वाले लाइन जो आपने ड्रैग किया है वो वाइट हो रहा होगा। उसे ठीक करने के लिए सेलेक्ट टूल पे जाएं और वहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप कॉपी किए हुए कर्व टूल को उठा के पिक करके यहाँ रखें। फिर उसके बाद एक और बार पेस्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। पेस्ट करने के बाद उसे पिक करके यहाँ पे लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से एक बार और पेस्ट करें, पिक करके यहाँ पे लेकर आएं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब इसे दोबारा से सेलेक्ट कर लें यहाँ से और फिर पिक करके इसको यहाँ पे लेकर आए ऐसे। फिर उसके बाद अपने पॉइंटर को लाइन टूल पर लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करें। उसके बाद ओवल टूल को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसे यहाँ पे इसके बीच में ऐसे ड्रैग कर दें। फिर उसके बाद साइज पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और थिकनेस ऑफ साइज से पतले वाले साइज को सेलेक्ट करें। उसके बाद लाइन टूल को सेलेक्ट करें, फिर पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, उसके बीच में ऐसे लाइन को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऐसे उसके बाद यहाँ से ऐसे फिर एक और ऐसे लाइन को ड्रैग करें। हटाना हो तो अंडू कर लें। उसके बाद फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर पैलेट में से कलर को सेलेक्ट करें। यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ से कलर को सेलेक्ट करें, यहाँ पे कलर को फिल कर दें।
कलर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे कलर भर दें। इस तरह से आप फ्लैग को बना सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इसे क्या कहते हैं। यह एक लीफ का चित्र है। अब आप सभी इस चित्र को बनाकर दिखाएं। अगर फिर भी आपको इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखकर इस चित्र को बनाना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। आप सभी अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आए, लाइन टूल को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ऐसे बीच में लाइन को ड्रैग करें यहाँ पे एक छोटा सा, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक और लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे, लाइन को ड्रैग करें ऐसे, कर्व टूल को सेलेक्ट करें, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन या कर्व टूल को ऊपर ऐसे खींचें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बीच में इसे पॉइंटर को रखें और ऐसे ऊपर की तरफ खींचें, यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। फिर यहां से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन टूल या कर्व टूल को मिला दें, लाइन या कर्व टूल को मिला दें, उसके बाद बीच में से यहां से ऐसे इसे नीचे की तरफ खींचें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद लाइन टूल को सिलेक्ट कर लें, फिर यहां से ऐसे लाइन को बीच में ड्रैग कर दें। फिर ऐसे बीच में यहां पे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर यहां पे ऐसे लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहां पे ऐसे लाइन को एक और ड्रैग कर लें। फिर उसके बाद फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर पैलेट में से किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करें, और यहां पे बीच में कलर को भर दें। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आप सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को सही तरीके से शटडाउन करें। आज की क्लास में आप सभी ने कर्व टूल के बारे में सीखा, उसके बाद आप सभी ने इस टूल के मदद से कुछ और भी चित्र को बनाया जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे कि बर्ड यानी कि पक्षी, माउंटेन यानी कि पहाड़, फ्लैग यानी कि झंडा और लीफ का चित्र को बनाया।